सुमित, तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी भाभी के केस में धोखा हुआ है? जी सर। मेरा मतलब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कोई गलत फहमी नहीं? बिल्कुल नहीं सर। पापा, आप ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं? डोंट यू बिलीव सुमित? बेटे, इस तरह के सवाल पूछने पड़ते हैं। अगर मुझे पूरी जानकारी नहीं होगी तो मैं केस कैसे लड़ूंगा? इसका मतलब है कि आप केस लड़ रहे हैं। थैंक यू पापा। डोंट कम टू द कंक्लूजन। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। ये वही केस है ना जिसे दैनिक मिडडे वालों ने बहुत जोर शोर से उछाला था? मैंने इस केस के बारे में पढ़ा है, एंड आई थिंक, तुम मुझे गलत मत समझना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। इट्स ओके सर, यू कैन टेक योर ओन टाइम। बाय प्रिया। बाय। ये सब क्या हो रहा है पापा? आप ये केस लड़ेंगे या नहीं? बेटी, मैं भावनाओं में बहकर जज्बात में आकर कोई काम नहीं करता। मेरे कुछ प्रोफेशनल एथिक्स हैं। प्रोफेशनल एथिक्स क्या मतलब है आपका? मैं उस हॉस्पिटल का लीगल एडवाइजर हूँ। हाँ, मगर शायद एक बेटी के बाप नहीं। प्रिया, मैं समझ गई पापा कि आप उस डॉक्टर गर्ग का साथ देंगे, हॉस्पिटल का साथ देंगे, ये जानते हुए कि सुमित और उसका घर मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैं रिश्तों से ज्यादा अपने फर्ज को अहमियत देता हूँ, समझे तुम? फर्ज, यही फर्ज है ना आपका, धोखाधड़ी करने वाले गुनाहगारों का साथ देना? प्रिया, बुरा लगा ना जब असली चेहरा असली रूप सामने आया? बुरा लगा ना? रतन, दो चाय ला। मोहन, लेटेस्ट न्यूज सुनी है? हाँ। तुम्हारी फेवरेट डॉक्टर अंजलि के बारे में? अरे, इतनी बड़ी खुशखबरी और मुझे नहीं पता होगी, ऐसा कभी हो सकता है? मैं तो इसी ताक में रहता हूँ कि कब वो नया बखेड़ा शुरू करे और हमारे हॉस्पिटल की ग्रेपवाइन पर उसकी न्यूज हाईलाइट हो। लोग तो पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, मगर डॉक्टर अंजलि तो कुल्हाड़ी पर पाँव मारती है। इस बार तो डॉक्टर घर के घर पर पथराव करवा दिया था उसने। हाय, कैसे हो? बढ़िया। रतन, चाय कैंसिल। डॉक्टर अंजलि, उस दिन आपने मुझसे सवाल किया था कि मैंने अपने आप को कितने रुपये में बेचा है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। उसकी आप कोई जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि आप मुझ पे बहुत नाराज हैं, लेकिन प्लीज आप मेरी बात सुन लें तो। एक बार बोलिए। यानी आप मेरे साथ क्यों, आप डर रहे हैं? डरने की बात नहीं, आप मेरे घर चले। क्यों? वहां आप मेरी कई भी बात समझ पाएंगी। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। चले। उमा, डॉक्टर अंजलि, ये मेरी वाइफ उमा। नमस्ते नमस्ते, आइए ना। रहने दीजिए, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? आप पहली बार हमारे घर में आई हैं, आपको कुछ लेना ही पड़ेगा। आप बैठिए ना। तशरीफ रखिए प्लीज। किशोर, ये मेरा छोटा लड़का, 12वीं क्लास में पढ़ता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। लीजिए। अक्का कहाँ है? चाय बना रही है। अच्छा, मैं एक मिनट में भी हाजिर होता हूँ। जी, वो शाम को दिया जलाए बना कुछ लेते नहीं ना, इसलिए गए हैं, अभी आ जाएंगे। ये हमारी बेटी है अक्का, वैसे इसका नाम माधुरी है। नमस्ते। लेकिन प्यार से हम उसे अक्का ही बुलाते हैं। आप लीजिए ना। जी। अक्का कॉलेज के आखिरी साल में है। अक्का से बड़े हमारे दो बेटे हैं, एक इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और एक कंप्यूटर। अक्का, तुझे बाबा ना बोलो? आता बोलो थे। पता है, आज पहली बार उनके हॉस्पिटल से हमारे घर कोई आया है।
मैं उन्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को घर पर बुलाइए चाय पानी के लिए, ऐसे ही तो संबंध बढ़ते हैं ना। लेकिन वो मानते ही नहीं। वो क्या है कि वो थोड़ा शर्माते हैं, वो कहते हैं ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो है उन्हें जी। हाँ, उनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा ना। डॉक्टर बने लेकिन स्कॉलरशिप के बगैर वो मुमकिन नहीं था। कॉलेज में भी उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे, सिर्फ वो और उनकी किताबें बस। इसलिए शायद वो किसी से अपने दिल की बातें, अपनी जरूरतें बोल नहीं सकते। पता है अंजलि जी, शादी के बाद कुछ साल तक वो मुझे भी अपनी जरूरतें नहीं बताते थे। जैसे कि अगर उनके पास पैसे खत्म हो गए हों तो वो मुझसे मांगते भी नहीं थे। इसलिए मैंने ही आदत बना ली कि रोज सुबह उनकी पर्स चेक करके अगर जरूरत हो तो उसमें पैसे रख देती हूँ। अब लोन की ही बात लीजिए। लोन? हाँ, मैं उन्हें कितने दिनों से याद दिला रही हूँ कि हमारे बड़े बेटे को कंप्यूटर जावा का कोर्स करना है, उसके लिए हमें 25,000 रुपए भरने हैं, और फिर अक्का की शादी का भी तो सोचना है ना, तो फिर हॉस्पिटल से थोड़ा लोन ले लो। लेकिन नहीं, आज तक उन्होंने प्रेम लाला से बात ही नहीं की है। भगवान करे आज उन्होंने कह दिया हो। माफ कीजिएगा, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। आप डॉक्टर कुलकर्णी से कह दीजिएगा कि मैंने उनकी बात समझ ली। लेकिन अभी तक तो आपने चाय भी नहीं पी है। किसी और दिन पी लूंगी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। माफ करना डॉक्टर अंजलि। डॉक्टर अंजलि कहाँ गई? वो तो चली गई, उन्होंने तो चाय भी नहीं पी। वो कह रही थी कि डॉक्टर कुलकर्णी से कह दीजिएगा कि वो सब कुछ समझ गए हैं। वो सब कुछ समझ गई? I'm sorry सुमित, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने कहने के बावजूद भी पापा तुम्हारा केस लड़ने से इनकार कर देंगे। मगर तुम घबराओ मत, मैं हर सुख में हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। क्यों दोगी तुम मेरा साथ? और क्या मेरे पास पहले ही कम प्रॉब्लम्स है कि तुम्हारा साथ लेके मैं अपनी प्रॉब्लम्स और बढ़ाऊं? एक तो घर पर भाभी की चिंता सताती रहती है, ऐसा लगता है जैसे बेचारी हंसना ही भूल गई हो, और ये सारे दुखों का कारण है वो डॉक्टर गर्ग। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो क्या आपकी बात जान से ही मार दोगे? नहीं नहीं, अगर तुम्हें उम्र कैद हो गई तो मेरा क्या होगा? कम ऑन प्रिया। खैर, तब तक तो मैं भी बहुत बड़ी लॉयर बन जाऊंगी और तुम्हारा केस तो मैं ही लड़ दूंगी। मार दो मार दो। स्टॉप इट प्रिया। एक खून की सजा भी फांसी होती है और दो खून की भी वही सजा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे मारने के बाद मैं तुम्हें भी मारूं। ठीक है, मार दो। वैसे भी मैं तो तुम पे मरती हूं। ओह गॉड, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ये लड़की मेरे पीछे पड़ गई? देखो प्लीज, मैं कोई दूसरा वकील ढूंढने जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करो, वरना जिंदगी भर मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तो क्या चेहरा गिरवी रख के वकील हायर करोगे? डैम यू। ए सुमित, अरे भोला एक गिलास पानी पिला, बड़ी गर्मी पड़ रही है आज तो। बाबूजी, बाबूजी लीजिए पानी लीजिए। अरे ये पानी लाने की तकलीफ तुमने कैसे की? बाबूजी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, भोला वैसे माजी के साथ मार्केट गया हुआ है शॉपिंग करने। और मीता? मीता कॉलेज से कहाँ आई है अभी। अरे तो इसका मतलब है ये लोग तुम्हें घर में अकेला छोड़कर चले गए? नहीं बाबूजी, माजी कह रही थी, लेकिन मैंने ही कह दिया कि मैं नहीं आना चाहती, आजकल थोड़ी वीक भी फील कर रही हूँ। बेटा फिर तो जाओ और आराम करो। नहीं बाबूजी, आप बैठिए, जरा फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक चाय ले आती हूँ। नहीं नहीं, चाय वाय का कुछ मत करो, तुम्हारी सास आएंगी तो इकट्ठे मिलके पिलेंगे। अरे राम, अरे क्या बात है बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। बेटा ऐसा है कि इस उम्र में थकान जल्दी हो जाती है। आप सच कह रहे हैं, ये थकान की वजह से हो रहा है? क्यों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता बेटी। नहीं बाबूजी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर आपको कोई चिंता खाए जा रही है। मुझे क्या चिंता होगी, दो दो बेटे हैं मेरे, समझदार बहू है, प्यारी सी बेटी है, बहुत ज्यादा प्यार करने वाली मेरी बीवी है, मुझे भला किस बात की चिंता है? सब तुम्हारा वहम है। ये मेरे मन का वहम नहीं है बाबूजी, आपको जरूर कोई चिंता सता रही है। कैसी चिंता? सेतु की चिंता। सेतु की चिंता? जी हाँ, सेतु को पुलिस ने अरेस्ट किया था, इसलिए आपको सेतु की चिंता हो रही है, और ये स्वाभाविक भी है।
पर आपने बताया नहीं बाबूजी, सेतु को पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया था? बेटी मैंने उस दिन बताया तो था, कुछ गाड़ी वाड़ी का मामला हो गया था, कुछ ऐसी बस। बाबूजी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए ये मान ही नहीं सकती कि आप मुझसे झूठ बोल सकते। बेटी मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, क्यों? देखिए बाबूजी, इस वक्त घर में कोई नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि ये बात माँ जी तक ना पहुँचे तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं क्यों चाहूंगा कि ये बात तुम्हारी माँ तक ना पहुँचे? बाबूजी अमित और सेतु मुझसे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि आपके पास आऊं तो शायद असलियत मुझे पता चले। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, आपको मजबूर नहीं करूंगी मुझसे बार बार झूठ बोलने पर। आपको मजबूर नहीं करूंगी मुझसे बार बार झूठ बोलने पर। आपको मजबूर नहीं करूंगी मुझसे बार बार झूठ बोलने पर। आपको मजबूर नहीं करूंगी मुझसे बार बार झूठ बोलने पर। क्या हुआ इन्हें, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? सच पूछो तो चिंता की बात तो है। अच्छा हुआ आपने मुझे तुरंत बुला लिया, वरना इनके ट्रीटमेंट में डिफिकल्टी हो सकती थी। वैसे भी इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मैं कुछ दवाएं लिख के देती हूँ, सुबह शाम एक एक गोली उन्हें देते रहना। डॉक्टर बाबूजी को सचमुच कॉम्प्लिकेशन के चांसेस तो नहीं है ना? आप समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? मीता जैसे तुम सोच रहे हो वैसा फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनका चेकअप करवा लेना। वैसे भी इस उम्र में साल में एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। ओके डॉक्टर। सेतु ये दवाइयां मंगवा के अभी तुरंत इन्हें गोली दे देना। जी। ओके अब मैं चलती हूँ। मैं चलता हूँ आपके। ओके बाय। डॉक्टर गोयल आप सच कह रही है ना, कोई चिंता की बात तो नहीं है? मैंने कहा ना डोंट वरी, थोड़ा सा आराम कर ले बस। वैसे भी वो डायबिटीज के मरीज है और ऊपर से इतना हाई ब्लड प्रेशर, ही मस्ट टेक केयर। लेकिन इतना बीपी बढ़ क्यों गया? बीपी बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन कारण है टेंशन, चिंता। सेतु जी आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि उनको कोई टेंशन ना हो और कोई चिंता वाली बात ना हो। ओके जी। वो मुझसे देखो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन्हें आपस में बैठ कर सुलझा लेना चाहिए, और उनके सामने ऐसी कोई बात तो नहीं हुई ना आज? जी हमें से कोई घर पे नहीं था, आई मीन माँ भी बाजार गई थी, घर पे सिर्फ भाभी और बाबूजी थे। बाबूजी की तबीयत खराब होती है, भाभी ने आपको बुला लिया। अब बाबूजी और भाभी के बीच में क्या बात हुई पता नहीं। सुमन अगर ऐसी कोई बात हुई भी है तो उसे वापस नहीं दोहराना। जी ओके टेक केयर। अच्छा मैं चलती हूँ। चौसी तू छोड़ो। जी सुमन जरा बाहर आना, मुझे काम है तुमसे। क्या काम है माँ मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ। मुझे सुमन से बातें करनी, तुम बाबूजी के पास बैठो। आओ सुमन। माँ जी क्या बात है? माँ जी ये तू मुझे बताएगी क्या बात हुई थी? जी क्या बात हुई थी तेरे और उनके बीच में जो उनका बीपी इतना हाई हो गया? कुछ खास बात नहीं हुई थी। खास बात नहीं हुई थी तो क्या यूं ही उनकी तबीयत खराब हो गई? सच सच बता तूने उनसे क्या कहा था? मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने उनसे सिर्फ पूछा कि सेतु को पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया था। तूने उनसे ये पूछा? सुमन सुमन देखा था ना तूने जब सेतु को पुलिस स्टेशन से वापस लाया था कितने टेंशन में थे वो। सिंधी में कभी गुस्सा नहीं होते थे मगर उस दिन गुस्सा हो गए थे, अब फिर भी तेरी हिम्मत हो गई उनसे सवाल पूछने की? माँ जी इसमें हिम्मत की क्या बात है?
सबसे पूछ रही थी, कोई मुझे सच बता नहीं रहा था, और मुझे सेतु की चिंता हो रही थी। माँ जी, सेतु की चिंता करने वाली मैं अभी जिंदा बैठी हूँ, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस करिए, कितना शोर मचा रहे हैं, इतनी मुश्किल से बाबूजी की आंख लगी। प्लीज प्लीज थोड़ी देर चुप रहिए। इतने दिन चुप भी इसलिए तो इस लड़की में इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे पति से सवाल जवाब कर सके। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। बहू है तो बहू की मर्यादा मेरे, वरना चलिए यहाँ से। माँ क्या कह रही हैं, हद कर दी आप, बिना मतलब हर बात पे भाभी को कोसने लगती हैं आप। क्योंकि इस घर में जितनी भी परेशानी आई है वो इसी की वजह से आई। कौन सी मनुष्य घड़ी में कदम रखा है, मेरे घर का सर्वनाश हो रहा है। माँ जी, आप गलत मतलब निकाल रही हैं। देखिए, मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था, मैं तो सिर्फ सच जानना चाहती थी। तो सच नहीं जानती तो क्या मर जाती तू? अरे मेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ा था ना, तुझे क्या, तू अपना काम कर। ये सच्चाई की पुजारी है, सच जानेगी। अरे सच कुछ भी होगा, तुझे उसे क्या, तू अपना काम कर, मेरे घर की चिंता मुझ पर छोड़ दे बस। आप क्या कह रही है माँ जी, क्या मैं इस परिवार का अंग नहीं हूँ? और फिर माँ जी, आपने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया था ना, फिर अचानक आप ये सब क्यों कह रही हैं? क्योंकि तेरी वजह से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, मेरे सुहाग पर आ जाई है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ तू है, सिर्फ तू। बस करो भाभी को, प्लीज और कुछ मत कहो। बड़ा है भाभी का चमचा, वो तेरे बारे में भला बुरा सोच रही है और तू उसकी तरफदारी कर रहा है। हाँ तरफदारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप गलत हो। मैं गलत हूँ? हाँ माँ, आप गलत हो। मैं गलत हूँ? आप गलत हो। मैं गलत हूँ? ये बार बार सबसे क्यों पूछती है कि पुलिस ने तुझे क्यों अरेस्ट किया था? पुलिस ने मुझे क्यों अरेस्ट किया था ये अब तुम नहीं पाओगी माँ। पुलिस ने मुझे इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि मैंने डॉक्टर घर के घर जाके पत्थर मारे थे, उसे 20 फुट पे खड़े होकर गालियां दी थी, सॉरी।